को मिली बड़ी कामयाबी, तमंचा बनाने की अवैध फैक्ट्री को पकड़ा, चार अभियुक्त गिरफ्तार। पुलिस अधीक्षक शिवहरि मीणा द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के दृष्टिगत जनपद में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत अवैध शस्त्र फैक्ट्री का पर्दाफाश किया गया तथा भारी मात्रा में बने अधबने, तमंचे और कारतूस बरामद किए, साथ ही चार अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। सर, ये खुलासा क्या क्या मामला? रामपुर पुलिस के द्वारा आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अपराधी विरुद्ध अभियान चलाया गया है। उसी के तहत आज टांडा पुलिस और हमारी जो स्वाट पुलिस है उसके द्वारा एक अवैध असला फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है, जिसमें चार अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से लगभग 10 तमंचे बने हुए, कुछ अगबने, कुछ पौनियाँ और उनके बनाने का उपकरण पुलिस को प्राप्त हुआ है। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भी ये लोग अवैध असला फैक्ट्री बनाते हुए पकड़े गए थे। इनके विरुद्ध पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। जो हमारी टीम है उसको 5,000 रुपया इनाम हमारे द्वारा दिया गया है। निश्चित रूप से हम स्वतंत्र, निष्पक्ष, निर्भीक चुनाव करवाने के लिए कटे। इन्होंने जो अभी तक हमें पूछताछ में चीज़ें पता लगी उसके अनुसार मुरादाबाद, संभल इत्यादि में भी ये रामपुर के साथ साथ अवैध असला सप्लाई करने का काम। ये टांडा थाना क्षेत्र में नदी के किनारे पर ये अवैध असला फैक्ट्री चला रहे थे। जो पुलिस को सूचना प्राप्त हुई उसी के आधार पर इनके विरुद्ध कार्रवाई। सर, पुलिस कर्मियों को आपकी तरफ से कोई इनाम दे? हमने बताया आपको 5,000 रुपये का इनाम हमारी टीम को दिया। सर, इनको आपराधिक रिकॉर्ड क्या है इनका? इनका आपराधिक रिकॉर्ड बड़ा लंबा है। इसमें लूट, डकैती, अटेम्प्ट टू मर्डर, साथ ही साथ अन्य गैंगस्टर इत्यादि के अपराध इनके द्वारा कारित किए गए हैं, उनमें पंजीकरण हो चुका है। शेष आपराधिक इतिहास का भी पुलिस को। आरोपी रामपुर के रहने वाले हैं क्या? इसमें से कुछ आरोपी रामपुर के रहने वाले हैं, कुछ आरोपी मुंडा पांडे थाना मुरादाबाद के रहने वाले। अच्छा, और भी कोई अपराधी है इनके साथ में? सर, अभी इस संदर्भ में पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इन्होंने बताया कि वैसे जनरली ये काम मार्बल का और घिसाई का काम करते हैं, लेकिन वर्तमान में जैसे ही चुनाव आते हैं इनके द्वारा अवैध असला फैक्ट्री चलाकर जो अवैध असलों की सप्लाई होती है। आरोपी सारे गिरफ्तार हैं? फिलहाल तो चारों आरोपी गिरफ्तार हैं, बाकी पुलिस अभी इन्वेस्टिगेशन कर।